A very warm welcome to all of you to Self Selection Board One Step Towards Uniform. मेरा नाम शुभम आशने और आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं CDS NCERT फ्रिक्शन वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर SSC CDS NDA एंड रेलवे और ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे फ्रिक्शन वर्क एनर्जी में और ये आपकी मदद करेंगे हर एक यूनिफॉर्म को पाने में जो आपकी डिजायर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग इन अ व्हील इज, देखिए बॉल बेयरिंग का काम होता है रोलिंग फ्रिक्शन दिलाना जिससे हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से जा सके। मान लीजिए गाड़ी है उसमें पहिए नहीं है तो आपको घसीट के जानी पड़ेगी ना, तो इसी तरह अगर पहिए हो जाएंगे तो फ्रिक्शन से उसका जो स्मूथनेस है चलने की या मोशन है इजी हो जाएगा। तो बॉल बेयरिंग का काम होता है टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू अ रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसका आंसर हो गया बी। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बाकी ऑप्शन है ए टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जो नहीं है, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी नहीं है, और डी जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, देखिए वो कह रहा है कि आइस पे चलना मुश्किल है रोड पे चलना आसान है क्यों, जबकि रोड तो बहुत ही रफ होती है और आइस तो बहुत स्मूथ होती है। रीजन बिहाइंड ये है कि हमें चलने के लिए चाहिए फ्रिक्शन। अगर वहां पर आम शब्दों में कहें चिकनाई है या उसमें बहुत ज्यादा स्मूथ है तो हमारे पैरों को ग्रिप नहीं मिलती और हम फिसल जाते हैं। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो अगर हम जरा पढ़ते हैं आइस इज हार्डर देन द रोड, ओके ये गलत है, आइस स्मूथ होती है, रोड इज हार्डर देन आइस, ठीक है चलो मान लिया, पर हमें और प्रॉपर आंसर चाहिए। आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन यू पुश विद आवर फुट, ठीक ठीक है, आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन का टर्म का यूज किया है, वरना अगर ये नहीं होता तो मैं बी को मार्क करता। चलिए आगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये क्वेश्चन ज्यादा गलती से आ गया, ये पहले वाली स्लाइड से आ गया, तो इसका आंसर इनर्शिया है। चलिए हम आगे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे, द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड ड्रैग। देखिए जो मछली होती है ठीक है, जब वो पानी में चलती है तो पानी को ड्रैग करके चलती है, और ऐसे ही जो एरोप्लेन होता है वो ड्रैग करके चलता है। ठीक है दोस्तों, वो भी एयर को ड्रैग करके चलता है, तो इसका आंसर है बी ड्रैग। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर, क्यों, फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए जिससे वो फिसले ना और वो अपनी ग्रिप बनाए रखे जमीन पे और वो जीत सके। देखिए इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, तो बोथ ए एंड बी इज आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ लुब्रिकेंट, इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं हो सकता, ऑयल ग्रीस सॉइल। देखिए ऑयल जमीन पर अगर पड़ा हुआ फिसल जाते हैं आपने देखा होगा घर भर में भी, और ग्रीस अगर आप मैकेनिक के पास गए गाड़ी सही कराने तो आपने थोड़ी फिसल महसूस की होगी, और लास्ट है सॉइल, तो सॉइल को आप जमीन पर डाल दो कोई स्मूथनेस लुब्रिकेंट का काम नहीं करता, तो आंसर है सी। देखिए बहुत ही बेवकूफाना सवाल भले ही थे पर क्या करें, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं और कई बार ऐसे ही सवाल आते हैं और ये सारे सवाल एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। व्हाई डू जिमनास्ट अप्लाई कोर्स सब्सटेंस ऑन द हैंड, कोर्स मतलब होता है रफ। जो जिमनास्ट आपने देखे होंगे पहले तो खाली जिमनास्ट हमें सर्कस में देखते थे, बट जिमनास्ट का काम होता है कि इन चीजों पर लटकना, ठीक, तो इनको एक रफ ग्रिप चाहिए होती है, और ये काम क्या करता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, ना तो रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, ना ही टू सेव देयर हैंड फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, या नॉन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो आंसर इसका बी। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं अगर यहां से धक्का मार रहा हूं तो इसका मोशन इधर हो रहा है पर इसका फ्रिक्शन इधर होगा, तो इसका आंसर यही है। बाकी जी से भी पढ़ लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन बोथ द डायरेक्शन, नन ऑफ द, ये सब गलत है और सिर्फ ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इनमें से कौन सी चीज एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब किसके लिए एडवांटेज नहीं है फ्रिक्शन के लिए हमारे लिए, तो अगर हम बात करें फर्स्ट है इट इनेबल्स ड्राइंग ऑन अ पेपर, सही बात है, इट इनेबल्स फॉलन थिंग्स टू पिक अप, थोड़ी एब्सर्ड लग रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इनेबल रफ पैच्स टू बी रब्ड ऑफ, रफ पैच्स टू बी रब्ड ऑफ, समझ लीजिए डस्टर को बोर्ड पे चला रहे हैं तो वो फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इट इनेबल व्हीकल टू मूव ऑन द ग्राउंड, सब में फ्रिक्शन चाहिए, इसमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो ये बी गलत है, टू इनेबल फॉलन थिंग्स टू बी पिक्ड अप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल टू चीज होते हैं, नन ऑफ द, देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये है हमारा एंगल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैं इस एंगल को बढ़ाऊं तो किसी एंगल पे आकर ये यहां से चलना शुरू कर देगा, जब वो एंगल पे चलेगा उस पर फ्रिक्शन स्टार्ट होगी, मतलब इस सरफेस और इस पर रगड़ा खाना शुरू होगा, तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ
फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिपल्स वो कहलाया जाता है जहां से चीज फिसलना शुरू हो जाती है, और फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो कहलाया जाता है जिस एंगल पे चीज फिसल रही होती है। तो दोनों एक ही चीज हो जाती है तब, और वो इक्वल एंगल बनाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां एक्ट करेगी। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी गलत बना गया मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ईस्ट से वेस्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये मोशन आ रहा है इसका, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा अपोजिट पे, हमने अभी एक पहले क्वेश्चन में किया था, तो आंसर हुआ वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स। देखिए रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग में कम लगता है, स्टैटिक में ज्यादा लगता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है मान लो उसमें ब्रेक सॉरी गियर में गाड़ी है, बंद पड़ी है, पर अगर उसे धक्का लगाओगे वो नहीं चलेगी, ठीक है। अब मान लो मैं उस गाड़ी को न्यूट्रल कर दूं और फिर धक्का मारो तो चल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो जो मूविंग चीज होती है उसमें कम फोर्स लगती है, जो रुकी हुई चीज होती है उसमें ज्यादा ताकत लगती है। तो इसमें हो गया स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। स्टैटिक में ज्यादा लगेगी, फिर स्लाइडिंग में कम लगेगी, और रोलिंग में सबसे कम लगेगी। मतलब एक गाड़ी जिसमें पहिए हैं वो न्यूट्रल पर चल रही हो तो आप धक्का मारोगे आराम से चल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन, देखिए कोई चीज कब चलेगी। देखिए आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रही, तो इतनी फोर्स चाहिए होगी ना जितनी ये जितनी इसको जरूरत है चलाने के लिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब जितनी यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, अगर आप उतनी फोर्स लगा दो तो ये चल पड़ेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होना चाहिए इक्वल टू फोर्स, तो वो चल पड़ेगी, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होना चाहिए लेस देन अप्लाइड फोर्स, ये गलत हो गया। आंसर सही है, ये हम बस बाकी डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, ये भी गलत है। मतलब गलत नहीं है, सही है, बट फर्स्ट इनिशियली क्या होता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाता है तो भी ऑब्जेक्ट चलने से स्टार्ट हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है और बाद में फिर ये होता है। ऑल द अबव नहीं, ऑल द अबव तो है नहीं, तो आंसर हुआ खाली ए। कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा ये देखिए यू एम जी कॉस थीटा होता है, और यहां पर हो गया कोफिशिएंट, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो इस फ्रिक्शन को कोफिशिएंट फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, तो यहाँ होता है कॉस थीटा के इक्वल, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट। देखिए पावर की हो गई वॉट, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, एनर्जी की हो गई जूल, और फोर्स की हो गई न्यूटन। तो जूल जूल चाहिए तो जूल मिल गया, ये हो गया। स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आंसर तो वैसे इसका देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर स्प्रिंग टंगी है तो इस पर पुल होगी, तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट अगर मान लो ये कंप्रेस्ड है तो इसमें कम पोटेंशियल एनर्जी रहती है, पर रिसेंटली एस सी जी एल में ये बोथ ए एंड बी आंसर आया था, तो इसका आंसर सी हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एम जी एच किसके कारण होता है, इन तीनों के कारण होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इजिकल्स टू एम जी एच, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इजिकल्स टू एम जी एच, तो मास भी चाहिए, ग्रेविटेशन भी चाहिए, हाइट चाहिए। मास की ऑर्डर का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हाइट अबव द अर्थ सर्फेस होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। एक बॉल है ड्रॉप करी गई किसी हाइट से 10 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द फॉल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। देखिए मैं बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये मान लो अर्थ सरफेस, तो जितनी ये ऊपर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब जब ये गिरेगी तो कोई आवाज करती है, तो उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई चीजों में, जैसे डैम में जो पानी गिरता है ऊपर से तो हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो उसका ही हम पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जैसे कोई भी चीज मूविंग होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए तो अगला ये कह रहा है, इट इज पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय ड्यूरिंग द फॉल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है गिरने पे, नहीं, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो हाइट तो कम हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी, तो पहले ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी ड्यूरिंग द फॉल, नहीं, काइनेटिक एनर्जी जब पूरी जमीन पर आ जाती है तब होती है सबसे ज्यादा, ना कि तब होती है जब पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बीच में होती है तब, नहीं, गलत है।
द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल ट्रू एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल ट्रू. जितना जमीन के पास आओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यही हमारा आंसर है. फिर भी डी देख लेते हैं, डी हमारा आंसर क्यों नहीं है. द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एंड द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हाइल इट इज फॉलिंग. ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है हाफ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जब वो जमीन पे होगी. नहीं, मतलब यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी हाफ भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ ही होगी. ठीक, चलिए तो हमारा आंसर हुआ सी. मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैंने बहुत ही गंदा कर दिया यहाँ पर. हमने ये कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यूरिंग द फॉल. ये ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से गिर रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 मीटर, तो यहाँ से गिरने में पोटेंशियल एनर्जी होगी कम और काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा. तो सी इज आवर ऑप्शन. इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो हाफ एम टू वी स्क्वायर, इसका अगर हम पोर्शन निकाल लें तो हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, और ये टू पे स्क्वायर था तो ये 1/4 हो गया. तो ये कितना हो गया, 1:4, तो डबल बिकम 4 times हो जाएगी हमारे यहाँ जी. हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल वर्क एट द रेट ऑफ 20 वाट. देखिए पावर का फॉर्म होता है वर्क डन अपॉन टाइम. पावर है 20, वर्क डन है 520, टाइम हमें निकालना है तो टाइम हो गया दूसरी तरफ जाकर. ठीक है, 520 2 × 4 = 16, 26 सेकेंड टाइम हो गया, 26 सेकेंड. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग, वो किस टाइप की एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन. कोई किसी भी चीज पे वर्क करा जाता है तो किस चीज पे डिपेंड नहीं किया जाता. देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मुझे फोर्स भी चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके अलावा जो भी है सब बेकार है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड. तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का काम ही नहीं आता. देखिए दोस्तों इसका आंसर हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या है. देखिए अगर मैं फोर्स को तोड़ूं तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है, और एक्सेलरेशन में कर दूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है. तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट एंगल पे कोई डिफाइन नहीं है, यहाँ पर एंगल है ही नहीं. तो यहाँ पर आ जाता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. When an object falls freely towards the earth, then its total energy is, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज रहती है, इंक्रीज करती है, फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट. देखिए रिमेन कांस्टेंट होती है एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैंने कहा था कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो ये एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, तो वो तो एनर्जी सिर्फ चेंज हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंट रह रही है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल रही है. तो इसका आंसर हो गया डी. व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू, अच्छा ये हो गया, दोबारा आ गया. माइक्रोफोन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी into ordinary phone. Microwave energy converts sound energy to mobile phone. Sound energy into mechanical energy in a stereo system. Sound energy into electrical energy into public service. देखिए microphone पहले आपने बोला electrical energy में convert हुआ and then वो किसी चीज़ में transfer होता है, तो sound energy को electrical energy में convert किया जाता है और तब वो जाके public को address करता है. यहाँ पर mechanical ना होता और यहाँ पर electrical होता तो ये सही हो जाता. तुम्हारा option सही है D. When object fall freely towards the earth, then its total energy is. Okay, ये हो चुका है, 3 बार आगे लगा था. अच्छा ये पीछे बटन घूम गया था. Oh sorry. Work done by a force can be positive, negative, zero. Work done by force negative होता है. देखिए अगर कुली ने अपने सामान ऊपर रख रखा है तो उसका work done 0 होगा जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा है. ठीक है, तो ये भी एक आपको चीज याद रखनी है. तो इसका आंसर है all of the above. A body is falling from a height h, and after it has fallen height h by 2, it will possess. A body is falling from height h, and after it has fallen height h by 2, it will possess only potential energy, only kinetic energy, half potential, half kinetic. देखिए ये तो बहुत ही मतलब हद ही कर रखी है सवाल की ने, तो मतलब आएगा ही आएगा एग्जाम में. देखिए कोई ऑब्जेक्ट बीच में है तो अब इसकी डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी और 10 मीटर लेंथ, तो मतलब ये 5 मीटर पे आके रुक गई है किसी वजह से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ
और क्योंकि आधी डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गई है तो हाफ हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। ओके दोस्तों, मेरी तरफ से जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना फीडबैक दें, और हमारे फेसबुक लिंक जो अभी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसे लाइक करें और वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और आने वाले वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगी कि कौन सी वीडियो आ रही है, और कुछ स्टडी मटेरियल भी वहां पर अपलोड होंगे जो हम यूट्यूब पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। जय हिंद दोस्तों।